नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर नजर आते हैं एक बार फिर से उन्होंने बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को जमकर घेरा है तो चलिए एक नजर पूरी खबर पर डाल जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं इसके साथ वो बिहार में बेरोजगारी शिक्षा व्यवस्था और पलायन को लेकर भी नेताओं को खूब सुनाते हैं हाल ही में एक मंच को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा ये कभी संभव है तमिलनाडु गुजरात और पंजाब को वहां के लोगों ने आगे बढ़ाया है बिहार को सुधारने के लिए लोग पंजाब से नहीं आएंगे उन्होंने आगे कहा किस लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है इस अभियान के जरिए ऐसे लोगों को समाज से आगे लाने का काम किया जा रहा है जो अपने बच्चों के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। पीके ने कहा कि आप चुनाव समीकरण संसाधन और रणनीति का चिंता मत कीजिए उसके लिए आपका बेटा प्रशांत खड़ा है आप केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए गांव गांव जाकर लोगों से कहिए कि शिक्षा और रोजगार पर वोट दीजिए इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के पत्रकारों को नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं उन्होंने कहा कि 42 विधायकों वाले दल के नेता जो कभी उछल कर कमल के साथ तो कभी लालटेन के साथ सरकार बनाते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि कल वो कहा रहेंगे उनको देश में कौन नेता बना रहा है है सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है चाहे जीते या हारे इसके बाद तृणमूल और तीसरे नंबर पर डीएमके है जदयू को कौन पूछ रहा है ये तो अपने मुंह मिया मिठू होने वाली बात है प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लालू यादव कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे तो लालू जी के पास कितने सांसद हैं जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है वो देश का पीएम चुन रहा है उन्होंने कहा कि जो देश का पिछड़ा राज्य है जो बेरोजगारी पलायन और गरीबी के लिए मशहूर है तो क्या बाहर के लोग यहाँ के नेता को स्वीकार कर पाएंगे तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जिन्होंने एक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को सुधारने के लिए क्या लोग मंगल ग्रह से आएंगे ये संभव है उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु पंजाब गुजरात को वहां के लोगों ने आगे बढ़ाया है तो बिहार को सुधारने के लिए कोई पंजाब से नहीं आएगा साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार के पत्रकारों को नीतीश कुमार तोप नजर आते हैं हालांकि कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पार्टी में चले जाते हैं कितने सांसद है जिसका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज ट्वेंटी को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ धन्यवाद